नाम जी? मेरा नाम कर्मी है और गांव बबुआ है, इंसार डिस्ट्रिक्ट है। आज आप वर्ल्ड कप खेल चुकी हो, कुछ अपनी छोटी सिस्टर है वो ये सोचती है कि खेल में कुछ नहीं रखा, आप उनको क्या कहना चाहोगे? भाई सर्कल कबड्डी है, शुक्र लाले खेले है वर्ल्ड कप भी, भाई पैसा भी और नाम भी भाई खूब है, अपना गांव का भी और अपना हरियाणा का भी नाम रोशन खूब हुआ भाई। फिर है नहीं कुछ है, मतलब ये भी लिए पाछा टन लग गए कि भाई सरकार गौर नहीं कर रही खिलाड़िया पर, और इस करके ना फिर भाई बड़े है जो बड़े प्लेयर है कि एक ने भी नौकरी नहीं दी सरकार ने, इस करके ने मैं जो छोटे प्लेयर है छोटी बहन है मैं भी ये सोचा कि भाई इन्हें ना कुछ 12-13 साल हो गए भाई खेलते ना मन, इब तक इन्हें ने नहीं कुछ मिला तो फिर मन के भी लगा इसमें, इसलिए पाछा हटने लग रहे। यही निवेदन है कि सरकार से हाथ जोड़ के भाई खिलाड़ियों का नहीं भी देखा जाए, भाई दो वर्ल्ड कप खेल लिए 2014 में 2016 में भी कोई जॉब नहीं मिली, और ऑल इंडिया इंटरनेशनल तो 6-7 बार खेली भाई मैंने ना भाई, जुकर लाले इंडिया की टीम में खेले थे पंजाब में करवा रखा था वर्ल्ड कप है, तो उसमें भाई 1 करोड़ लड़कियां का नाम था, उसमें फिर 14 लड़कियां ही उसके हिसाब था, आप भी तो देख सको भाई एक लड़की ने 7 लाख रुपये बांटा है। जो अपने एक सम्मान तभी एक बहुत अच्छी खिलाड़ी रही है तो उनका आज किस प्रकार से प्रदर्शन चल रहा है? भाई राम बतेरी है जुकर लाले यूएसए चली गई भाई, सरकार अनिल विज के पास भी गई थी वे, कोई अनिल विज ने कोई मतलब ये बोले कि भाई 4-5 लड़कियां गई थी ये वर्ल्ड कप खेल रही, मेरे तो सीनियर है ये सुमन गिल आज जो मेरा गला आ रही है ये सम्मान के लिए। तो सुमन गिल जी आपके हाथ में जो ये शील्ड है ये कहाँ से प्राप्त किया आज आपने? पहले तो सभी दर्शकों को राम राम, हम आज टूर्नामेंट के लिए जा रहे थे देवमुख लैंड, इसलिए मैं कर्मी के पास आई और कर्मी ने बोला बबुआ गांव के सरकारी स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह चल रहा था वहां पे, मैं कर्मी के साथ आई और कर्मी ने मतलब कर्मी इंटरनेशनल प्लेयर है और NIS कोच भी है, इसके साथ मैं आई और यहां पे सर्वसभा कमेटी के सदस्य ने मेरा भी सम्मान किया और कर्मी चैल का भी सम्मान किया। टूर्नामेंट कम हो रही है भाई, कहीं टूर्नामेंट नहीं हो रही, पहला टूर्नामेंट ज़्यादा होगी कर दी इसलिए चर्चा में थी, टूर्नामेंट होंगी नहीं अपने हरियाणा में तो खत्म ही होगी कबड्डी, नहीं घर पे नहीं बैठे भाई हम खेलते हैं अभी पंजाब में खेलते हैं, मतलब अपना हरियाणा में तो टूर्नामेंट खत्म होगी इस करके अपना हरियाणा में तो वाह बात है, हरियाणा में तो जिसने देखा उसी का नाम चल रहा है भाई। सरकार की तरफ से आपको क्या योगदान मिला? सरकार की तरफ कई लोगों को योगदान नहीं मिला भाई, हमारा केस चल रहा था अपने चंडीगढ़ कोर्ट में, ओ के समय में जीत गया, बोले भाई ले ले ज्वाइनिंग करा देंगे अब देखो आगे क्या करेंगे सरकार। आपने शुरुआत कहाँ से की थी भाई? मैं तो गांव में से करी थी, मनु मेरा गुरु जी है, मनु कोच है, उन्होंने खिलाना शुरू कराया था हमारे लिए, और फिर मैं जुगर वर्ल्ड कप की ट्रायल हुई थी पंजाब में, फिर ट्रायल भी दी थी, फिर सिलेक्शन हो गया भाई वर्ल्ड कप भी खेला। कुछ लोगों को मन की ये धारणा की लड़की है क्या कर लेगी, आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? भाई आज कल लड़के ने लड़किया तो कम को नहीं भाई, बस ये कहना चाहूँ कि मैं भाई ये ना सोचो कि भाई ये लड़की है, कई माता पिता ये सोचा भाई ना या तो छोरी है बाहर कौन जा सकती लेट हो जाएगी तो भाई लोग क्या कहोगे, भाई मेरे माँ बाबू ने तो बहुत सहयोग दिया है, मेरा बहुत साथ दिया है, कोई रोक टोक नहीं लगाई मेरी आन जान पर, और जिदे भाई मैं अड़ तक आज इस मुकाम तक पहुँची भाई। हाँ भाई देखो भाई को देंदा हुआ उसका तो बेरा को नहीं, फिर आज जो उस टाइम पर मैं खेलने लगे थे ना भाई उस टाइम पर ना को रिश्वत चल रही थी ना को सपैरस है, खुद प्लेयर का दम चल रहा है चलिया करता भाई, मैं मेरा 2 बार खुद अपना दम पर सिलेक्शन करवाया, हाँ ईब फिलहाल खिलाड़ी मतलब गेम में रिश्वत भी भाई और सपैरस भी सब कुछ चालन लगे, जो मतलब अच्छा प्लेयर है नहीं आजकल स्टेट ला लो या नेशनल करवावा है जो उसमें नहीं भाई रिश्वत और पैसा चलन लग गया भाई सपैरस भी, और फिर जो बढ़िया खिलाड़ी है उसका तो सिलेक्शन हुआ को नहीं भाई, और जो जिसने चालन का भी नहीं बेरा खड़ा होने का भी नहीं बेरा भाई, ग्राउंड कितना होना चाहिए उसका भाई और नेशनल खेलने लग रहा, मतलब आज टैलेंट की कदर नहीं है पैसा और सपैरस की ज्यादा, बस भाई पैसा और सपैरस रह गया, इसे करके ना भाई गेम डाउन बहुत ज्यादा डाउन हो गया, सभी खेलना भी छोड़ गए लड़कियां भाई सपैरस इमारत भर गए भाई, 3 बार नेशनल हुई, 3 बार मेरे उसमें लाइव में काट के देख सका है, 1 बार नॉन स्टॉप रेट में रखे मैंने जमा, 1-2 कैच के तो देख कहती गुण भाई मैं लैग भी रही यार
और प्लेयर की मतलब लैग भी जावा भाई, कैचर भी मतलब कुछ आपका नाम कमाण खातर कुछ मेहनत करा है कैचर भी, फिर इस करके ना भाई मेरा तीनों बार सिलेक्शन कैट दिया नेशनल कबड्डी में, किसी ने भाई मैंने जाकर अपील भी करी थी, कोई सुनाई को नहीं हुई भाई मेरी। स्वीटी बूरा बॉक्सिंग के अंदर भारत का नाम रोशन किया तो मनोहर लाल खट्टर ने उनके ग्रुप बी की नौकरी का ऑफर दिया, क्या ये सही है? हाँ सही है भाई, लेकिन ये जो कबड्डी की प्लेयर है उनको क्यों नहीं मिला अभी तक भाई? सर्कल कबड्डी तो देखो बारे कर दी उसमें, फिर वर्ल्ड कप खेल लिया भाई, माना कोई सुनाई को नहीं भाई, मैं दो तीन बार जाया है सरकार के पास, अनिल बीज के पास भी गए थे, कोई सुनाई नहीं करी मारी। खट्टर भी आया था अपना वर्ल्ड कप हो रहा था जिद नुबलिया, फिर मैं उसके पास गए थे, माँ सर जी मारे कहने मतलब मन भी जोब दे दो नुबलिया, देखेंगे बुलाएंगे था ना, बस ये कह के ना टाल गया, मतलब एक मीठी गोली दे दे चुसने के लिए बस भाई। सरकार तो नहीं खिलाड़िया का नहीं, खेल कोट स्पोर्ट्स कोटा भी खत्म कर दिया भाई खिलाड़िया का, तो ईब और क्या करेगा बालक भाई, कुछ दें दे है कुन्या, फिर नो देखो आर्ट भी टूटा भाई, काम करने जोगे भी कुन्द रहन देगे खिलाड़ी, इतनी मेहनत करके ना बाहर खेला, कंपटीशन इतना ज्यादा हो रहा खिलाड़िया को, फिर चोट लगे बिना रहने को नहीं, फिर जॉब जॉब मिलती को नहीं, इस करके ना फिर छोड़ दे, बहुत पछ गया गेम। आज अपने हरियाणा के अंदर जो युवा साथी नशा का बहुत ज्यादा शिकार होने लग रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? भाई मैं तो यही संदेश देना चाहूंगी भाई, नशा तो दूर रहो सारे, कोई भी हो नशा तो दूर रहो, नशा मतलब अच्छी चीज नहीं है। सुमन गिल जी, आप दर्शकों को लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी, लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है, इसलिए लड़कियों को भी छूट दी जाए, खेलों में भी पढ़ाई में भी सब गेम में छूट दी जाए, इसके साथ भाई राम राम सभी दर्शकों।